हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। आपकी सफलता के रक्षक, आपकी सफलता के रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी हैं। आपकी सफलता के रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ वैजनाथ और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। एक बार फिर बहुत ही गजब का सेशन आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है टेलीग्राम पर हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी अगर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। अगर आप एनबीई में एक सीट पाना चाहते हैं तो दोस्तों आज का सेशन किस पर डिपेंड है? आज का सेशन हम इंग्लिश पर डिपेंड करते हैं। और आप लोगों के लिए मैं कौन कौन सा सेशन लेकर आ रहा हूँ, सारे सेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, टॉप 100 मैथ का क्वेश्चन लाने वाला हूँ। दोस्तों क्वेश्चन रेडी हो रहा, परेशान मत रहिए आप लोग, जल्द ही ला रहा हूँ। टॉप 100 रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है ना, टॉप 100 इंग्लिश का क्वेश्चन और जीके का तो पता नहीं कितना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। कल 8:30 रात को जीके महामैराथन आप लोग जरूर आए, ठीक है ना, संडे को रात 8:30 आप लोग आइएगा। वहां पे देखिएगा कम से कम 2 घंटे में 1000 के आसपास क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो आप ये सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कि सबसे पहले मैं टॉप 100 मैथ का स्टार्ट करूँ, ठीक है, या रीजनिंग का। खत्म तो दोस्तों एग्जाम से पहले मुझे सब करना है, लेकिन स्टार्ट क्या करूँ आप बताइएगा। टॉप 100 इंग्लिश का, जीके तो कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या स्टार्ट करूं आप लोग कमेंट करके वीडियो के नीचे बताइएगा कि क्या टॉप 100 पहले मैं शुरू करूं। बाकी चीजें भी शुरू, सभी का क्वेश्चन जो है रेडी हो रहा है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का जो सेशन है आपका, सेक्शन इंग्लिश का जो भी है ना, उसमें आपको फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश का जो सेशन है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंसिव का जो है, कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपके 100 मार्क्स, सॸॉरी कॉम्प्रिहेंसिव के 50 मार्क आपके आने वाले हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव है क्या, टोटल चीजों का आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों क्या कॉम्प्रिहेंसिव है, तो हमें ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव भरा है, सही बात है, लेकिन दोस्तों जब आप वहां पर पहले पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको आंसर देने के लिए ग्रामर्स के रूल का जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए टॉप 100 में सब चीज में शामिल करूंगा, आप लोग उसका टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। और भी चीजें मैं बताऊंगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये QFS मेथड से हम कॉम्प्रिहेंसिव को कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। QFS मेथड, जैसे आपके स्लाइड में जो है एक पारा जो है, पैराग्राफ जो है शो हो रहा है दोस्तों, उसको पहले आप सभी लोग पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। ये जो साइड में है ना, इसी तरह के आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ऊपर लिखा रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा दोस्तों, और आपको पढ़ के आपको आंसर निकालना, ठीक है ना। लेकिन यार हमें तो उतना टाइम हमारे पास तो नहीं है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत हो गई है, वन सेकंड, चलिए ये बस, ओहो चलिए ये सही हो गया दोस्तों, बस रुके रहिए, चलिए ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम तो नहीं रहता सर, हम उसको आराम से पढ़ें, तेजी से पढ़ें, क्या करें कॉम्प्रिहेंसिव में, जल्दी चुटकियों में कैसे हल करें, तो QFS मेथड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए दोस्तों QFS मेथड के बारे में हम आपको पहले बता रहे हैं, क्यू से हो जाएगा पहले, क्यू का मतलब होता है दोस्तों क्वेश्चन, क्या होता है दोस्त क्वेश्चन, एफ का मतलब होता है फास्ट, और यस का मतलब होता है दोस्तों स्लो। यानी कि सर इससे क्या संबंध है, QFS क्वेश्चन फास्ट स्लो, कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन आपने पैराग्राफ अब तक पढ़ लिया होगा, यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया, पैसेज दिया है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेंशन के बारे में है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान युग में जी रहे हैं, ठीक है ना। एवरी डे न्यू इन्वेंशन आर बींग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी का मतलब दोस्तों मानवता होता है, क्या होता है मानवता, एवरी डे तो पता ही आपको। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति जब हुई थी दोस्तों 1789 में, उसके बाद से जो है ये इन्वेंशन शुरू हुए। दोस्तों क्वेश्चन को आप साइड में आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं कि समय में आपका बर्बाद कराऊंगा, क्वेश्चन साइड में है आप लोग उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पढ़ लिया होगा,
हिंदी अनुवाद भी नीचे है और उसका जो है मीनिंग भी नीचे मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश भर मिलेगा, ठीक है ना। उसके नीचे जितने क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए QFS मेथड क्या है, क्यू से क्वेश्चन, यफ से फास्ट, यस से स्लो। सर आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझाइए, करना क्या है, जैसे आपके स्लाइड में जो क्वेश्चन लगा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले आप कंप्रिहेंशन जो दिया है, पारा जो दिया है ना, आप उसको मत पढ़िए, ठीक है ना। आप पहले अगर आपको मत पढ़िए, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, मतलब सरसरी निगाहों से, ये नहीं कि जो है पूरा टाइम उसी में लगा दीजिए, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद अब ये यफ से मतलब होता है फास्ट, पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप कहाँ पर आएंगे दोस्तों, उसके बाद आएंगे आप पैसेज पर, कहाँ पर, पैसेज पर आ जाएंगे। अब पैसेज जो शुरू में रहेगा ना दोस्तों, शुरू में थोड़ा सा पैसेज को फास्ट पढ़िएगा, दिमाग में रखते हुए उतना तेज पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो, ये नहीं कि तेज पढ़े, फास्ट पढ़िए। शुरू में ऐसी चीज होती है, हिज नेम वाज कुछ इस तरह से रहता है, उसका आप सिर्फ उसका जो है मेन चीज ऊपर दिया रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद एस से स्लो जाता है, शुरू में तो क्वेश्चन को फास्ट पढ़िए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को, लेकिन बीच में आते ही आप स्लो थोड़ा सा हो जाइए, शुरू में जितना फास्ट पढ़ रहे थे थोड़ा सा स्लो हो जाइए, क्योंकि बीच में ज्यादा क्वेश्चन ही वहां पे पूछे जाते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन तो पहले पढ़ लिया था शुरू में, और थोड़ा फास्ट पढ़ा कुछ दिमाग में तो जरूर आया, स्लो पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। ये क्यू या फेस मेथड होता है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर थोड़ा सा शुरू में फास्ट पढ़िए पैसेज को, फिर मिडिल में आकर थोड़ा सा स्लो कर दिए, फिर फास्ट कर सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंसिव को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपने मान लीजिए पूरा पढ़ लिया, तो पहला क्वेश्चन यहां दे रखा है 191, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए क्यूब, कॉकपिट, चैम्बर, क्यूबिकल। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में से दो, जो केबिन होता है पायलट के लिए, पायलट मतलब होता है विमान चालक, जो विमान वगैरह चलाता है, ठीक है ना। तो जो विमान के जो छोटे कमरे होते हैं दोस्तों, उनको बच्चा देखते ही केबिन पे मार देगा, ठीक है ना, चैम्बर पर मार देगा, लेकिन सब गलत हो जाएगा। आप नीचे आएंगे, लिखा होगा देखे दोस्तों, दिस केबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट, क्या, कॉकपिट। तो कॉकपिट पर आप जो है तुरंत आंसर मार देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। 20वां क्वेश्चन है, दैट डैश डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। आपने किसके बारे में ऊपर पढ़ा है, तो एरोप्लेन के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोप्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप सभी अच्छे से, मुझे उम्मीद आप समझ रहे होंगे। 193, वी आर लिविंग इन द, वी मीन्स होता हम लोग, आर लिविंग इन द, हम लोग रह रहे हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एज, एज ऑफ साइंस, एज ऑफ इन्वेंशन, हम लोग किस युग में जी रहे हैं दोस्तों, हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं ना, आप लोग पढ़ा रहता है, तो इसका आंसर रहा है एज ऑफ साइंस, क्या हो जाएगा, एज ऑफ साइंस, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 22, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ कब हुआ था दोस्तों, औद्योगिकी क्रांति कब हुई थी, ये जीके का क्वेश्चन है, तो 1789 में, 1789 में। और एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क, जो एरोप्लेन होता है उसका इंजन किस पर डिपेंड होता है दोस्तों, पेट्रोल पर, किस पर डिपेंड होता है, पेट्रोल पर। तो ये इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आए, जितना भी क्लास में लूंगा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे ही बेस पर ले रहा हूँ, ठीक है ना, टॉप 100 क्वेश्चन सारा एक्सपेक्टेड ही करा रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा आइडिया बता आपको करना कैसे होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्टली कैसे करें एग्जाम में, ये तो आइडिया मैंने आपको बता दिया है। और आप बताइएगा टॉप 100 क्वेश्चन शुरू कहाँ से करूँ, मैथ से, इंग्लिश से, जीके तो चल रहा उसका टेंशन छोड़ दिए, या फिर रीजनिंग का, सबसे पहले मैं क्या करूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा ना मैं वो सबसे पहले स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन सबका रेडी हो रहा दोस्तों, 31 अगस्त से पहले सारा मैराथन कम्प्लीट मैं करा दूंगा। कल शाम को 8:30 बजे आइएगा जीके जीएस का मैराथन, और सुबह जो है 10 बजे, सुबह 10 बजे लाइव सेशन मैं लेने वाला हूँ, सुबह 10 बजे लाइव सेशन लेने वाला हूँ दोस्तों। तो आप सभी के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, मॉर्निंग में 10 बजे संडे को जो है लाइव रहूंगा, और मॉर्निंग में 10 बजे आप आ जाइएगा, और जो भी क्वेश्चन रहेगा, डाउट जो भी रहेगा ना, आपका मैं वहाँ से NBA के रिलेटेड सॉल्व कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ गया ना। और बहुत सारे जो है, अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे रे यार तुझे पढ़ाने नहीं आता, ये नहीं आता, यार एक बात बताओ, मैं अकेला ही इंसान हूँ अपने मतलब चैनल पे, अकेले सारा वर्क करता हूँ, एडिट करता हूँ, थंबनेल लगाता हूँ, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, तो मैं सब आपसे तो पैसा तो मैं मांग रही नहीं, पैसा मांग मैंने किसी से पैसा मांगा दोस्तों,
टेलीग्राम में या फिर मैंने यूट्यूब या किसी से पेड कोर्स या कुछ ऐसी तो बात मैंने की नहीं दोस्तों कि पैसा दो तो मैं पढ़ाऊंगा। यार ये तो फ्री का पढ़ा रहा हूँ और ऊपर से जब निगेटिव कमेंट आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है यार। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और चले जाओ पढ़ो। पेड कोर्स से बच्चे जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो अब वो क्या करें बताइए। वो तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, पेड कोर्स लेकर बैच चलाते हैं और हजारों लाखों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है दोस्तों। सिलेक्शन उसी का होता है जो हार्डवर्क करता है। तो अब आप फ्री में दे रहा हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर लगा देता 500 रुपया फी है इन 400 क्वेश्चन का, टॉप 100 मैट लेना होता, जिसको लेता दो चार, जिसको पढ़ना होता पढ़ता, नहीं पढ़ना होता नहीं पढ़ता। लेकिन YouTube पे फ्री क्लास देने का मतलब है दोस्तों ये सबके लिए A to Z, जो तैयारी किए वो भी पढ़ पा रहे हैं, जो नहीं किए वो भी पढ़ पा रहे हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए, आप लोग निगेटिव कमेंट प्लीज ना किया करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा दिल को दुखता है। और आप ऐसे ही अगर सही कमेंट करेंगे तो फिर मैं क्लासेस और लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे का सेट दे चुका हूँ। अब बाद में ये मत कहिएगा कि सर आपने अपना वादा नहीं पूरा किया है, मेरे से जितना भी हो पा रहा ना सब मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक सीट लेना है, मेरे को नहीं लेना है। तो अगर आप एक सीट पाना चाहते हो तो जी जान लगा दीजिए। और सुबह होते ही सबसे पहले मैं आपको टारगेट दे देता हूँ, आज ये चीज पढ़ना है, चारों सब्जेक्ट का टारगेट दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप टारगेट को पूरा करते हैं तो निश्चित ही एक दिन, अगर एक दिन आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर टारगेट को नहीं पूरा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है, आपके हार्डवर्क में प्रॉब्लम है, ये आपका मिस्टेक होगा, मेरा मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों सुबह 10 बजे लाइव आइए, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे मोटिवेशन से रिलेटेड, कोई भी क्यूरी रहेगी कुछ किसी से भी रिलेटेड, सारा हम सुबह में सॉल्व करेंगे। और ये मत कमेंट करिएगा सर माइनस मार्किंग है, सारा चीज डाउट हम कल सुबह 10 बजे देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर दे जरूर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।